होशियारपुर पुलिस ने वक् वक् थावां ते वारदातां नूं अंजाम देण वाले दोषियों नूं गिरफ्तार करन विच अहम कामयाबी हासिल की है। इस मौके पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं DSP पलविंदर सिंह ने दस्सिया कि सीनियर अफसरां दीआं हदायतां ते गठित कीती टीम वल्लों शरारती अंसरां खिलाफ़ कार्रवाई करदिआं जुलाई महीने विच होए कनवे नां दे इक नौजवान दे कतल दे मामले नूं सुलझाउंदे होए 8 दोषियों नूं पहलां ही गिरफ़्तार कर लिया गया सी, जिस तों बाद हुण पुलिस वल्लों 3 होर दोषियों नूं गिरफ़्तार किया गया है, जिन्हां विच्चों 2 दोषी अमृत सिंह अते अभिषेक पट्टी जो कि राजस्थान विखे फरार हो गए सन, जिथे कि इन्हां ने लड़ाई झगड़े विच इक होर कतल कर दिता सी ते पुलिस ने इन दोवां नूं राजस्थान की सेंट्रल जेल में प्रोटैक्शन वरंट से लिया के गिरफ्तारी की है। उन्हें दसाया कि पुलिस एक होर दोषी बलजीत सिंह नूं गिरफ्तार किया है। उन्होंने दसाया कि पुलिस ने एक होर दोषी बलजीत सिंह नूं भी गिरफ़्तार किया है, जबकि 2 दोषियों नूं गिरफ़्तार करना बाकी है, जिस खिलाफ़ पुलिस वालों छापेमारी की जा रही है। मानयोग SSP साहब होशियारपुर वालों संगीन जुर्मा जो दोषी है जो अजे तक गिरफ़्तार नहीं हुए थे उन्होंने गिरफ़्तार करने जी है मुहिम चलाई सी। तो इस मुहिम के तहत SPD साहब मैं खुद DSP पलविंदर सिंह इंस्पैक्टर करनैल सिंह SHO मुख थाना मॉडल टाउन की एक टीम गठित की सी। साड़ी टीम नू उस समय सफलता मिली जदों मिति 7-8 जुलाई 2023 एक तनवे नाम का लड़का हैगा सीगा जो रामगढ़ महल्ले का रहने वाला सी होशियारपुर का, उहदा पेट्रोल पंप पिंड पूंगा विखे करीब 13-14 नौजवानों ने रल के तेज़ धार हथियारों नाल कतल कर दिता सीगा। उहदे विच असी पहलां 8 जिहड़े दोषी सीगे उह गिरफ़्तार कर चुके सीगे ते 3 दोषी जिहड़े हैगे हुण उहदे विच असी अरैसट किए हैगे आ। जिहड़े 2 दोषी हैगे आ अमृत सिंह उर्फ घड़िल ते अभिषेक पट्टी, ये जदों कतल किया सीगा इन्हां ने तनवे नाम के लड़के का, तो उस कतल तो बाद राजस्थान जिहड़े हैगे चले गए सीगे बाड़मेर जिले दे विच, ते उत्थे जाके भी जिहड़ा हैगा इन्हां ने उधर दे मुंडियां नाल रल के ते एक उत्थे भी जिहड़ा हैगा कतल कर दिता सीगा, ते उहदे विच जिहड़ा हैगा ये बाड़मेर सेंट्रल जेल विच बंद सीगे, ते उत्थों इन्हां नूं दोनों नूं अमृत उर्फ घड़िल ते अभिषेक पट्टी नूं उत्थों रिमांड ते लिया के प्रोडक्शन रूम ते लिया के असी जिहड़ी हैगी इहदी गिरफ़्तारी कीती आ। अते एक दोषी होर जिहड़ा हैगा आ बलजीत सिंह उर्फ गोरा जो सुभाष नगर का रहने वाला है उन्हों भी असी जिहड़ा हैगा आ एक इसे मुकदमे दे विच अरैसट किया है, ते बाकी जिहड़े हैगे आ साडे जिहड़े 2 दोषी हैगे आ उह अरैसट करने बाकी आ, उह भी असी जिहड़े आ जल्दी तों जल्दी अरैसट कर लवांगे। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈਗਾ ਆ ਤਨਵੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਨਵੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਤਨਵੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਨਵੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੱਟੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈਗਾ ਆ ਉਰਫ ਘੜਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3-4 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਕਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ।